आज का जो वीडियो है इंतजार खत्म आप सबका। जो एसएससी, यूपीएससी, बैंक का एग्जाम दे रहे थे उनको लग रहा था कि सर आप उनकी सीट क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी एक्सरसाइज क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो डिफेंस में एनडीए, सीडीएस, एफकैट और उधर आपका कहा जाए कि बैंक क्लर्क रियल एग्जाम या बैंक आपका पीओ लेवल या आप एसएससी के जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, इस तरह के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके बेस पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने बिना समय गवाए, कम ऑन गाइस, पहला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। 2 miles beyond that pasture was seen hundreds of cattle including some lambs nearer। फटाफट बताइए, कम ऑन जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब, दैट पास्चर वर सीन प्रयोग किया जाएगा, वाज सीन इसलिए प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इस सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेस से हुई है और जब कोई सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसे हियर या देयर या इस तरह से शुरू होता है तो पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट वही होता है जिसके विषय में बात की जाए, सब्जेक्ट वही होता है जो किसी काम को करे, जो किसी काम को करे उसको डूअर भी कहा जाता है। सो कम ऑन गाइस, क्वेश्चन नंबर दूसरा। इस पहले क्वेश्चन में आपको बताता चलूं कि वाज का सब्जेक्ट था हंड्रेड्स ऑफ कैटल। कौन था? हंड्रेड्स ऑफ कैटल इंक्लूडिंग सम लैम्स। एक्चुअली में इंक्लूडिंग एक जेरंडियल प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो सम लैम्स तो ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कौन हुआ? हंड्रेड्स ऑफ कैटल्स। और ऐसे में वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। एक चीज और बता दूं, अगर इस 100 के पहले 2, 3, 4 लिखा होता, 2, 3, 4 लिखा होता तो 100 से यस ना आता और ये ऑफ ना आता, वर्ब वही आती जो है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखाता हूं। इट इज नोटिस दैट द एलीट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउनट्रोडन हु आर द रियल विक्टिम ऑफ द प्रेजेंट सोशल सेटअप। नो एरर, कम ऑन फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। और बिल्कुल सही जवाब है आपका, द एलीट क्लास हैज का प्रयोग किया जाएगा। जितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जवाब जरूर दिया करिए मेरे जवाब देने से पहले। अब यहां पे द एलीट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर, तो द एलीट क्लास हैज हो जाएगा क्योंकि एलीट क्लास है या कोई भी मीडियम क्लास है, किसी भी कलेक्टिव नाउन को अगर एक यूनिटी की तरह दिखाया जाए, एक यूनियन की तरह दिखाया जाए तो वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने स्क्रीन पर आता है, देखता हूं सबसे पहले कौन इसको सॉल्व कर पाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा इस समय स्क्रीन की टॉप पर है। अब जब लिखा रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विद सोनू हु इज द एल्डरेस्ट सन ऑफ एसडीओ। अब यहां पर इल्डेस्ट होना चाहिए था, एक्चुअली में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पर इल्डेस्ट होना चाहिए, मैं इसको सही कर देता हूं, इल्डेस्ट सन। अब आपको पता होगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो मेरे बच्चे देखते हैं कि कौन इस क्वेश्चन को लगा पाता है। इल्डेस्ट सन ऑफ एन एसडीओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। ऋतु के हिसाब से वर्ब चुनी जाएगी हैज फॉलन, क्योंकि एज वेल एज के बाद जो लिखा होता है वो हमेशा इसका ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन है फॉलन का? ऋतु। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, आपको पता है कि मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट में वर्ब सिंगुलर आएगी और कौन आएगी? हैज आएगी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। पांचवा क्वेश्चन ले चलता हूं, देखता हूं कितने लोग इसे लगा पाते हैं। पांचवें क्वेश्चन को, पांचवा और छठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर इस समय आ गया टॉप पर। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ट ऑन सच ए स्पेसियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस। नो एरर, इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। जी हां, देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड है, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एक्चुअल सब्जेक्ट है एनी डिफिकल्टीज, और एनी डिफिकल्टीज के हिसाब से वर्ब चुनी जाएगी और जो वर्ब है वो क्या हो जाएगी? और अगला क्वेश्चन आता है द लीडर एज वेल एज। अब इससे पहले कोई ऋतु वाला क्वेश्चन मिला था क्या हम लोगों को? बिल्कुल सही कहा, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स आर फैटली इंजर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट विच अकर्ड लास्ट नाइट नियर दिस रेलवे क्रॉसिंग। इस क्वेश्चन को द लीडर सब्जेक्ट होगा एज वेल एज फॉलोअर्स नहीं,
टू बी एज वेल एज के बाद ये ऑब्जेक्ट है, सही सब्जेक्ट है द लीडर, और द लीडर के हिसाब से वर्ब कौन सी आएगी, कौन सी आएगी, वेरी गुड, वॉज का यूज किया जाएगा अगला, सॉरी इज का यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर आता है, स्क्रीन के टॉप पर है आपके सामने, देखते हैं कि कौन लोग इसे पहले सॉल्व कर पाते हैं। फटाफट जवाब दीजिए जरा इस क्वेश्चन का। द रिक्वेस्ट ऑफ वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वर सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजॉरिटी। द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन That their wages should be increased. Actual में ये जो their wages should be increased लिखा गया है, ये क्लॉज है। यहां से that एक relative pronoun है। अब अगर that relative pronoun है, तो इसके साथ में ये जो पार्ट मैंने कलर कर दिया है, ये सारा का सारा पोर्शन क्या है, ये सारा का सारा पोर्शन आपका जो मैंने रखा है क्लॉज है। एक्चुअल में वेज should be increased क्या, their wages। अब मेरे बच्चे इसमें तुम्हें अभी वर्ब क्या है, वर्ब। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट चुनना है, यूनियन वर्कर्स है या द रिक्वेस्ट है। आपको पता है कि सपोर्ट किसको मिला है, यूनियन वर्कर्स को मिला है, ना कि सॉरी उनकी रिक्वेस्ट को मिला है, ना कि वर्कर्स यूनियन को। तो रिक्वेस्ट के हिसाब से वर्ब सिंगुलर हो जाएगी और वर्ब की जगह पे वॉज का यूज कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द हिमालयाज माइटी इन देयर स्प्लेंडर। अब मेरे बच्चे सब्जेक्ट वही होता है सेंटेंस में जिसके विषय में हम बात करें, और इस क्वेश्चन में बात किसकी हो रही जरा बताओ मुझे तो। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, आप लोग द हिमालयाज माइटी की बात कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट तो ये हुआ ना, सीन क्या हुआ है, माइटीज हिमालयाज सीन हो रहा है ना, तो बेटा इसके लिए वर्ब आपको यूज करना है इज सीन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, आर सीन। और वो इसलिए क्योंकि अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया बिल्कुल वैसी ही वैल्यूएशन रखता है जैसे कि अभी अभी एक क्वेश्चन मिला था हम लोगों को, देयर वाला, अभी अभी हमें क्वेश्चन मिला था 100 miles बियॉन्ड दैट पास्चर वॉज सीन, तो जो मतलब 100 miles का था उसका मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस था, देयर का मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस था, और कहीं ना कहीं अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और ये क्वेश्चन मैंने एयरफोर्स सीरीज में हियर देयर और इस तरह के जितने क्वेश्चन वहां मिले थे उन पर मैंने डिस्कस किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9 की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या कहता है, स्क्रीन पर मैं ले आता हूं। कहता है The publisher says that there is many important details. There is many important details. Actual में यहां पे बात किसकी हो रही है, यहां बात हो रही है important details की बात हो रही है। अब there लिखा है, अभी अभी बात ही हो रही थी, खत्म भी नहीं हो पाई थी यार मेरी बात तो। There adverb of place है, इसका मतलब वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में लिखा होगा, और सब्जेक्ट कौन है, many important details, इसके हिसाब से वर्ब सिंगुलर रहेगी कि प्लूरल रहेगी। बिल्कुल सही जवाब है, आपकी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, तो जहां पर तुमने इज का प्रयोग किया है वहां पर आर का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, हिज पॉलिटिक्स इज, शायद मैंने बताया था फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इथिक्स, इनिंग्स और सम्मंस और न्यूज, ऐसे वर्ड होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं बट एक्चुअल में ये सिंगुलर यूज किए जाते हैं, परंतु इनके पहले अगर कोई पजेसिव केज ऑफ एडजेक्टिव आ जाए तो ये फिर विषय नहीं रह जाते, इनका मतलब कहीं ना कहीं कुछ बदल जाता है। कहते हैं उसकी राजनीति ठीक नहीं है, यहां राजनीति मतलब क्रियाकलापों से है मुन्ना। अगला क्वेश्चन मैं ले चलता हूं, क्वेश्चन नंबर, तो यहां पॉलिटिक्स के हिसाब से आर का यूज कर दिया जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है वो बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाएगा आप लोगों के, जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है जस्ट आउटसाइड द होटल, कहां, होटल के ठीक बाहर, इज टू बार्स, दो बार्स है, किसकी बात हो रही है, टू बार्स की, यानी बार्स सब्जेक्ट हुआ और इसके हिसाब से वर्ब इज की जगह पे क्या होना चाहिए,
आर का प्रयोग होना चाहिए। ये अपने आप में इस तरीके का तीसरा या चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्यों, दो दियर के हो गए और तीन ये हो गए, पांच क्वेश्चन अभी तक 11 क्वेश्चन हमें देखने को मिल गए और ये क्वेश्चन सारे के सारे बैंक और एसएससी लेवल के क्वेश्चन है। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो वी शुड नॉट फॉरगेट, भैया शुड नॉट ये मॉडल्स है और मॉडल्स जितनी भी होती है कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट मस्ट ऑट टू, ये जितने मॉडल्स होते हैं इन पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नहीं चलता। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, उसमें एक बच्चे ने एक कमेंट किया हुआ, उस बच्चे की कमेंट समझ में नहीं आ रही है, उसने पता नहीं क्या लिखा हुआ है मॉडल पता नहीं कैसे क्या करके। तो ये एक तरीका क्या है कि उसको सही तरीके से मेंशन करिए, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें से आप कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करिए और मुझसे डायरेक्ट रूबरू हो। ये आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप कहना क्या चाहते हो, जिस तरीके से आपने वहां बताया है मुझे लगता है वो गलत है आपका तरीका, बट हो सकता है कि मैं गलत हूं क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जब आप अपनी तरफ से देख रहे हो तो 6 दिखता है और मेरी तरफ से वही 9 दिखता है, तो आपका सोचने का नजरिया मेरे सोचने का नजरिया अलग हो सकता है। तो आप कॉन्टेक्ट करिए क्योंकि आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाहते हो वहां पे। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस, और ईच ऑफ अस के लिए वर्ब क्या आएगी, हैज का प्रयोग किया जाएगा यहां पर, सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाएगी। अगला क्वेश्चन ले चलता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 भैया पहले आप लोग सॉल्व करोगे तब हम बताएंगे, फटाफट सॉल्व करो, फटाफट कमेंट बॉक्स में छोड़ो जरा कमेंट, इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा। हर पग्नेसियस डॉटर ऑलवेज डू समथिंग दैट मे इनकर कर इंसल्ट ऑन हर नेबर्स हु होल्ड अ रॉन्ग ओपिनियन अबाउट हर फैमिली। ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन लोग बता पाते हैं पहले, फटाफट फटाफट कम ऑन गाइस, जो लोग वीडियो को अभी तक देख चुके हैं वो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। क्या हुआ, चलो मैं बताता हूं, डू की जगह पर डस का प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्ट कौन है, हर पग्नेसियस डॉटर, उसकी तुनक मिजाज बेटी, उसकी नक चढ़ी लड़की। सब्जेक्ट कितने हैं आपके पास, सब्जेक्ट तो एक लड़की है ना, तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर से आपके पास आता है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस इन मुंबई इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट। ये क्वेश्चन है, जरा मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है यहां पर, इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस इन मुंबई, आर होगा कि इज होगा, ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट, बाकी तो कहीं वर्ब है नहीं, एक ही वर्ब है, तो मुझे बताइए जरा कि ये सही है कि गलत है। वन ऑफ का लॉजिक एक जगह पे मान्य नहीं होता जब रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट यहां पर मुंबई के पहले लिखा होता तब, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको पता है मेरे बच्चे आपको करना क्या है, मैं सिंपल सी बात बता देता हूं, जैसे इन लिखा है तो इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता तो मुंबई ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब ये वर्ब इसके हिसाब से नहीं चलेगी। आगे जाओ, कहता वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस, ये तो कंपाउंड वर्ड है, द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस, एक्चुअल में हाउसेस जेन्युइन सब्जेक्ट है और बिगेस्ट इंडस्ट्रियल ये बिगेस्ट इसकी और ये इसकी विशेषता कर रहे हैं, है कि नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा सब्जेक्ट एक साथ हो गया, चोर चोरों से रे भाई एक साथ मिल गया आकर के, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये सब्जेक्ट पूरा कंसीडर होगा। और मैंने दसियों बार बताया है कि वन ऑफ लिखा हो चाहे नन ऑफ लिखा हो चाहे एवरीवन ऑफ लिखा हो, सब्जेक्ट प्लूरल लिखा जाएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर लिखी जाएगी, तो सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए आप लोग, तो जहां पे इज लिखा है इज है मतलब क्वेश्चन है बेटा, है कि नहीं। मैंने कहा है कि जब भी पेपर में बैठो तो कभी क्वेश्चन की गलतियां मत निकालो, क्वेश्चन को समझो तब गलतियां निकालना, नहीं तो वैसे तुम्हें हर पार्ट में गलती नजर आएगी, समझ आया। अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास 15 नंबर क्वेश्चन का आता है, आवर हेड ऑफ डिपार्टमेंट अस्योर्ड अस, अब बेटा अस्योर्ड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, डिड हो गया, हैड हो गया, मॉडल्स हो गए, नीड नॉट डेयर नॉट हो गए, इनमें वर्ब एग्रीमेंट तो लागू नहीं होता यार, इसका मतलब है ये वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन इधर तो नहीं है। आगे बढ़ो, दैट सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन मिल्टन ऑन प्रीपोजिशन है, तो मिल्टन तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ लेक्चर्स लिखा हुआ है और सीरीज ऑफ लेक्चर्स है तो संयुक्त वर्ड है, कंपाउंड वर्ड, इसी शब्द को समास बोलते हैं हम लोग, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, अब सीरीज ऑफ लेक्चर्स के हिसाब से वर्ब चुननी है, वर्ब आपको बताया गया है जो आपका एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेशन चला
उसमें मैंने बताया कि अगर कोई बहुवचन संज्ञा लिखी है और उस बहुवचन संज्ञा को एच डी ए से प्रदर्शित किया गया है, एच डी मैंने बताया था, एच हाइट, डी जिसको कहते हैं डिस्टेंस, और ए अमाउंट, अगर ये फिक्स अमाउंट, फिक्स डिस्टेंस या फिक्स हाइट को दर्शाए तो वर्ब सिंगुलर आएगी। दूसरी बात मैंने बोली कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन उसके पहले कोई यूनिट वर्ड लिखाया गया है, कोई कलेक्टिव नाउन लिखा गया उसके साथ में, उसको कलेक्ट किया गया उसके लिए कोई कलेक्टिव नाउन यूज किया गया है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, है कि नहीं। तो यहां दिखाते हैं अगला क्वेश्चन आपको, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स है, आ गया वही क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, ज्यादा देर भी नहीं हुई और अभी बताया था, अभी क्वेश्चन दोबारा आपके सामने आ गया, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, मेरे बच्चे अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स के पहले बॉडी लिखा हुआ है, ए बॉडी ऑफ, ये कलेक्टिव नाउन है, ये पूरा किसकी बॉडी, अ वॉलंटियर ऑफ बॉडी, जैसे कहते ना पीतांबर पीला है जिसका अंबर, तो वैसे समास यहां पे यूज हुआ, ये एक कंपाउंड वर्ड है और इसमें चूंकि एक यूनिटी को दर्शा रहा है अतः यहां वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी सिंगुलर, है कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन आता है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हुम आई हैव चूज टू टेक अ पार्ट इन द कल्चरल प्रोग्राम्स टू बी परफॉर्म्ड इन द सिटी हॉल आर अप टू द मार्क, ये लिखा हुआ है। अब मुझे ये बताइए, जैसे इस क्वेश्चन को अगर गौर से पढ़ा जाए तो ये जो लिखा है आपके सामने होम आई है, यहां से लेकर के ये हाल तक, ये क्वेश्चन, ये आपका क्लॉज है, क्लॉज नहीं है तो आप चेक कर लीजिए, इस क्लॉज को आप चेक कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है कि होम आई है चूजन, ये चुअल में टाइम एंड टेंस की फॉल्ट हो गई थी इस क्वेश्चन के अंदर, बैंक में दो दो पार्ट में मिस्टेक हो सकती है, तो यहां चूजन मैंने भी करेक्ट किया हुआ है। तो जैसे अगर आप मन से पढ़ोगे तो ये लिखा है द ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कॉमा लगा है, फिर कहता है whom I have chosen, यहां से दूसरा सेंस हो गया, I have chosen जिनको मैंने चुना था, यहां चूज लिखा था, have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो यहां तो चूजन होना चाहिए था, सो मैंने करेक्ट कर दिया, टू टेक पार्ट इन द कल्चरल प्रोग्राम्स टू बी परफॉर्म्ड इन द सिटी हॉल आर अप टू द मार्क, ये अप टू द मार्क कौन था, अप टू द मार्क ऑल सॉरी ईच ऑफ द स्टूडेंट्स था, मैंने कहा था ईच ऑफ हो चाहे आइदर ऑफ हो, चाहे नाइदर ऑफ हो, चाहे वन ऑफ हो, चाहे नन ऑफ हो, चाहे एवरीवन ऑफ हो, चाहे द नंबर ऑफ हो, चाहे द परसेंटेज ऑफ हो, इनके साथ जो सब्जेक्ट लिखा होता है आमतौर पर प्लूरल लिखा होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर लिखी जाती है, यानी किस पार्ट में मिस्टेक हुई, इसके डी पार्ट में मिस्टेक हुई, डी पार्ट करेक्ट की आवश्यकता है, डी पार्ट को रिपेयर करने की आवश्यकता है, करेक्शन की आवश्यकता है। अब ये क्वेश्चन 18 नंबर, अगर मैं इसको नीचे ले आता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन यहां पे रहेगा तो दर्द पैदा करेगा ये, अब इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा बगल में रख दिया ताकि तुम्हें थोड़ी सी हिंट मिल जाए, एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक जगह रहेगा तो थोड़ी सी आराम रहेगी और वही बवाल फिर से हो रहा है, ये आ गया 18 नंबर क्वेश्चन कहता है एवरीबॉडी अमंग द बिजनेसमैन वर एंजॉयिंग ड्रिंकिंग When the manager of the hotel was shot dead. अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। Everybody among the businessmen. अब बेटा among तो preposition होता है। Among है, between है, amongst है, amid है, amidst है, इनका यूज बीच के लिए होता है। तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया यार। सब्जेक्ट कौन हुआ? Everybody. अब everybody है तो क्या वर लिखोगे कि was लिखोगे? क्या लिखोगे? Was लिख के आओगे। अब मैंने बोला था कि somebody, nobody, anybody, everybody, someone, no one, anyone, everyone, something, nothing, anything, everything, अगर लिखा है तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर लिखी जाती है, अगर इनको सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, किसी डेफिनिट पर्सन को डिनोट नहीं करते। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, मोस्ट ऑफ द न्यूज पर्टेनिंग टू द सडन डिमाइज ऑफ डॉक्टर सिंह have been communicated by some of the ruffians whom I know well. ये क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, लास्ट का ऑप्शन नजर है। Most of the news pertaining to the sudden demise, demise माने डेथ होती है, मृत्यु होती है, of Dr. Sen have been, अब देखो जाए इस क्वेश्चन को देखा जाए कि have been communicated, अभी communicated क्या हुआ है, by some ruffians, कुछ गुंडों के द्वारा, whom I know well, जिनको मैं अच्छे से जानता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कम्युनिकेटेड हो रही है न्यूज कम्युनिकेटेड हो रही है, और न्यूज किस बात की है, वो डॉक्टर सेन की डेथ को लेकर के है,
तो जब मोस्ट ऑफ द न्यूज के हिसाब से वर्ब हैज बीन लिखी जाएगी, हैव बीन नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि कम्युनिकेशन किस बात का हो रहा होगा, कुछ खबरें हैं गलत खबरें, जो कुछ गुंडे बदमाश रफियन माने गुंडे होते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि उनको जो है मिसकम्युनिकेट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि जैसे मोस्ट ऑफ लिखा है, ए लॉट ऑफ लिखा है, ये लॉट्स ऑफ लिखा है, ये हो सकता है आपके पास 10% लिखा हो, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 5% ऑफ, या कोई भी परसेंट ऑफ लिखा है। हो सकता है आपके पास 1/3 ऑफ, 2/4 ऑफ, 1/2 ऑफ, या हो सकता है रेस्ट ऑफ, एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ लिखा है। तो जो सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके हिसाब से चुनी जाएगी, और यहां पे सब्जेक्ट है न्यूज। न्यूज एक्चुअल में अभी अभी मैंने बोला था कि संबंध से न्यूज है, जो देखने में प्लूरल से होते हैं बट ये होते सिंगुलर से, अनकाउंटेबल से, इसीलिए इनके साथ वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए थी। जहां पे हैव बीन लिखा है वहां पे हैज हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, बैंक वगैरह का क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा लेंथी होने की वजह से कई बार बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, और जो डर गया समझो घर गया। अब यहां पे अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट। तो मैं बात कर रहा था अगले क्वेश्चन की, ऑल्दो दीज बिल्डिंग्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर। अब भैया दीज बिल्डिंग्स आर नीड, कोई दिक्कत नहीं है। देयर हैव बीन मच इंप्रूवमेंट, लो जी लो कर लो बात, देयर के बाद क्या लिखा है, हैव बीन। अब हैव बीन का सब्जेक्ट कौन होगा, मच इंप्रूवमेंट। इन देयर अपीयरेंस, इन तो प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी सब्जेक्ट बचा मच इंप्रूवमेंट। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मच तभी लगता है जब नाउन अनकाउंटेबल होता है, जब नाउन क्वांटिटी में होता है ना कि नंबर्स में, क्योंकि नाउन को हम दो तरीके से देखते हैं, एक नाउन एंड नंबर, एक नाउन ऑफ नाउन इन क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी में होगा क्योंकि यहां पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है मच का, और जब कोई अनकाउंटेबल नाउन यूज होता है तो वर्ब सिंगुलर आती है। आपको पता है कि सिंगुलर वर्ब क्या होती है, जिस वर्ब में यस या ईएस लगा होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ही ऑफन सेज दैट, अब ही के लिए सेज लिखा है, ऑफन एडवर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। इट आर दीज ऑप्शन फिल्म्स, आपको पता है कि इट के साथ इज का यूज होगा। शायद मैंने आपसे कहा था कि ऐसे पर्सनल प्रोनाउन जिनका जेंडर होता है, जैसे ही मेल, सी फीमेल, इट न्यूट्रल, तो इनको सिंगुलर माना गया है, वी यू दे इनको प्लूरल माना गया है, आई को दोनों तरफ रख दिया जाएगा, आई सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। आई के साथ में एम और वाज सिंगुलर वर्ब आती है, डू गो प्ले इस तरीके की, और हैव प्लूरल कैटेगरी की वर्ब भी आती है। तो इस तरीके से इट के साथ इज का यूज किया जाएगा। यहां पर एक वर्ड ऑब्सीन आया है, ऑब्सीन मींस अश्लील होता है, डिग्रेडेशन जो वर्ड आया है इसका मतलब होता है तुम्हारा किसी का मतलब पतन। अब अगला क्वेश्चन आता है, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेस ऑफ द नर्सिंग होम इज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स। अब मेरा लिखा क्वेश्चन में नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट कनेक्ट है, यकीन मानिए अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है समझा तो आपको पता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे तो जो वर्ब चुनी जाएगी वो क्या की जाएगी, नजदीकी सब्जेक्ट के हिसाब से चुनी जाएगी। अब ऑफ द नर्सिंग होम, ये तो ऑफ का ऑब्जेक्ट है, द नर्सेस, नर्सेस यहां पर ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है। अब नर्सेस अगर प्लूरल है तो बेटा यहां पे वर्ब क्या होनी चाहिए थी, प्लूरल, यानी सब्जेक्ट में एस एस लगा है तो वर्ब में एस एस नहीं आएगा। यहां पर इज की जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। तो ये चीजें आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ लेकर के चलनी है। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर मैं थोड़ी देर के लिए टांगे दे रहा हूं और आप जवाब दीजिए फटाफट, कमेंट्स करिए फटाफट। चलो एक बार देख लीजिए, देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस इन द हॉल एंड आई रियली डू नॉट नो वेयर दे हैव कम फ्रॉम एंड व्हाई, नो एरर। इस क्वेश्चन को समझना है,
बिल्कुल सही जवाब दिया कुछ बच्चों ने, देयर अपीयर्स नहीं, देयर अपीयर होगा, अपीयर इसलिए होगा क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, ए नंबर ऑफ न्यू फेसेस, यहां द नंबर ऑफ न्यू फेसेस लिखा होगा तो ये सही था। कई लोग सोचेंगे सर जी इसको सही कर दो, अब ये कर दो इसको सही करो, समझ आया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दोनों आते हैं और आज मैं इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, अगली क्लास में इसके 25 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, 50 क्वेश्चन है और इसकी पीडीएफ फिर आपको लास्ट वीडियो में, इसके दूसरे वाले वीडियो में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप इस सीट को निकलवा लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए जैसे चाहे वैसे, हालांकि निकलवा लीजिएगा तो ज्यादा सही है, समझौता मत करिए पढ़ाई लिखाई में, जैसे बाकी चीजों में कोई समझौता नहीं होता। मोबाइल आप अच्छा लेते हो ढूंढ करके, दारू अच्छे लेवल की पीते हो, सिगरेट अच्छे लेवल की आप पीते हो, लेकिन वैसे ही समझौता यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप रिचार्ज एक अच्छे लेवल का करवाते हो जिसमें अच्छी जीबी मिले, तो हर काम में आप नेगोशिएशन नहीं कर सकते, तो पढ़ाई में किस बात का समझौता। तो 2-4 रुपए का जो खर्चा है पीडीएफ फाइल निकलवा लेना उसकी। तो आता है कि द टीचर, आपने अगर आंसर निकाला होगा तो द टीचर फेसेस होगा, फेस नहीं होगा। फेस का मतलब होता है चेहरा और वर्ब की तरह देखा जाए तो उसका मतलब होता है सामना करना। तो यहां पर द टीचर फेसेस यहां पर सही जवाब होगा। आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेस एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स आर इनसेम। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, जब मैं कल की क्लास शुरू करूंगा तो आपको आपका इसका आंसर मैं एक्सप्लेन करूंगा। कमेंट बॉक्स में इसके सारे आंसर्स सभी लोग देने की कोशिश करिए और जब मैं कल समझाऊंगा तो अपना आंसर मैच करा लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, सुरक्षित रहें, घर में रहें, अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखें, याद रखना मेहनत करते जाइएगा, वीडियो पसंद आया हो तो आग लगा दीजिए सब जगह, इस वीडियो को पहुंचा दीजिए लोगों तक, हर मोबाइल पे ये वीडियो दिखना चाहिए। जय हिंद।